दिल्ली में हरियाणा कांग्रेस की भी एक अहम बैठक हो रही है। हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी दीपक बावरिया की अगुवाई में इस बैठक में लोकसभा चुनाव का फीडबैक लिया जाना है। नतीजों से पहले हो रही इस बैठक को काफी अहम माना जा रहा है। बैठक में हरियाणा कांग्रेस के तमाम पदाधिकारी मौजूद हैं। और इस वक्त विनोद लांबा मेरे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे हरियाणा के डिप्टी एडिटर हैं, इसी पर ज्यादा बातचीत के लिए। विनोद, सबसे पहले बताइए, बैठक में कौन कौन मौजूद हैं? जो कहा जा रहा है कि नाराज धड़ा है, उनके लोग भी आए हैं कि या नहीं? बैठक चल रही है और बूथ जो काउंटिंग डे पर जो मैनेजमेंट होती है उसको लेकर भी बातचीत है और जो तमाम उम्मीदवार हैं वो पहुंचे हैं। दीपेंद्र हुड्डा मौजूद हैं, लगता है नेटवर्क में कोई इशू है, विनोद की आवाज स्पष्ट नहीं है। दोबारा उनसे हम कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। तो 25 तारीख को छठे चरण में हरियाणा के सभी 10 लोकसभा सीटों पर वोट डाले गए थे। 9 सीटों पर कांग्रेस पार्टी ने चुनाव लड़ा है, एक सीट गठबंधन के तहत आम आदमी पार्टी को दी गई थी। तो चुनाव के बाद ये बैठक दिल्ली में आज दीपक बावरिया ने बुलाई है। विनोद लांबा एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। विनोद, प्लीज कंप्लीट कीजिए आप अपनी बात। देखिए, निश्चित तौर पर दीपक बावरिया की अध्यक्षता में बैठक चल रही है और तमाम जो लोकसभा के उम्मीदवार थे कांग्रेस के वो इस बैठक में बुलाए गए हैं। फैजाबाद से बात कर लें तो नरेंद्र प्रताप की जगह उनके बेटे विजय प्रताप मौजूद हैं। रोहतक से उम्मीदवार दीपेंद्र हुड्डा मौजूद हैं। रावदान सिंह महेंद्रगढ़ भिवानी के उम्मीदवार हैं, वो मौजूद हैं। इसके अलावा सतपाल ब्रह्मचारी सोनीपत से, करनाल से दिव्यांशु बुद्धि राजा, करीब करीब 6 से 7 उम्मीदवार यहाँ हम लोगों ने बैठक में जाते हुए देखे हैं और ये बैठक अभी चल रही है। और जिस दिन काउंटिंग के डे दिन किस तरह से प्रिकॉशंस रखनी है, काउंटिंग के डे के दिन को लेकर भी तैयारियों की बातचीत अंदर बैठक में चल रही है। और खासतौर से प्रदेश अध्यक्ष पीसीसी चीफ हरियाणा उदयवान भी इस बैठक में मौजूद हैं। करीब करीब 1.5 घंटे से ज्यादा ये लंबी बैठक हो चुकी है। प्रभारी दीपक बावरिया और प्रदेश अध्यक्ष उदय भान की मौजूदगी में उनके अध्यक्षता में ये बैठक जारी। और इसमें फोकस क्या है कि 4 तारीख को नतीजों के बाद या क्या कुछ करना है उस पर है, या फिर वोटिंग किस तरीके से भी बहुत सारे शिकायतें भी रही होंगी जो उम्मीदवार है, कहां पर किन लोगों ने धोखा दिया, किन लोगों ने पार्टी के पक्ष में काम नहीं किया, इन तमाम मुद्दों पर फीडबैक भी लिया जाएगा? लेकिन निश्चित तौर पर फीडबैक लेने का काम होता है और अब तक जो वोटिंग हो चुकी है, काउंटिंग डे का इंतजार है, तो काउंटिंग से पहले जो तमाम वोटिंग तक का जो फीडबैक है उस पर भी बातचीत यहाँ इस बैठक में की जा रही है। और निश्चित तौर पर कहीं किसी की कोई शिकायत हो पार्टी के लीडर से उसको लेकर भी बातचीत रखी जाएगी। और काउंटिंग के दिन में जो एजेंट्स हैं, काउंटिंग एजेंट्स हैं तमाम इन उम्मीदवारों के, उन पर भी बातचीत और उनके भी दिशा निर्देश देने का काम किया जा रहा है और आगे का रोड मैप पर भी मुझे लगता है कि इसमें निश्चित तौर पर बातचीत होगी। बहुत बहुत शुक्रिया विनोद लांबा आपका इस जानकारी के लिए।